गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर कॉन्टिन्यूइंग एक्सरसाइज 11C, क्वेश्चन नंबर 17। अ 30 डेकामीटर लॉन्ग लैडर व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस जस्ट रीच द विंडो एट अ हाइट ऑफ 24 डेकामीटर, हाउ फार इज द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? इट इज अ लैडर, ठीक है। 30 डेकामीटर एंड When set against the wall of a house, just reach a window at a height of 24 decameter. यानी कि यहाँ से जो विंडो की हाइट है वो बच्चों कितनी है? 24। It is 24 decameter. It is a ladder. यहाँ पर एक विंडो है, ये यहाँ तक पहुँचती है। तो आपको बताना है हाउ फार इज द लोअर एंड, लोअर एंड इज दिस ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। हाउ फार इज द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो लेट्स The lower end of the ladder from the base to be x decameter, सेम ही लेंगे बच्चों, जो हम यूनिट यहां लेते हैं वही यहां पर लेते हैं। Now A B सी, तो ये क्या है हमारे पास बच्चों? बी सी। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस, इट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज बेस एंड इट इज हाइट, इट इज हाइट बिकॉज इट इज 90 degree angle, ओपोजिट ऑफ 90 degree angle कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। वी टेक हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर, क्लियर? हाइपोटेन्यूज ए सी, वी राइट फर्स्ट द नेम, ए सी इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू सी बी, हाइट इज इक्वल टू ए बी। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज, ए सी स्क्वेयर प्लस सी बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, राइट इन ब्रैकेट। ए सी स्क्वेयर इस मीन्स 30 square, सी बी एक्स स्क्वेयर, ए बी 24 square। नाउ थर्टी स्क्वेयर मीन्स 30 multiply by 30, एक्स स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर, 24 square means 24 multiply by 24. 33, 3 is a 9, 20. X square, 24 multiply by 24, we get 576. Now, 576 transposing to left side, 900 minus 576 is equal to X square. Subtract them, 324 is equal to X square. नाउ हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ एक्स नॉट एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 324 का हम क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट। तो हाउ वी कैन फाइंड इट? फैक्टराइज द 324 बाय प्राइम नंबर्स, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, अगेन 2 8s are, 2 1s are, 3 2s are, 3 7s are, 3 9s are,
3 threes are 3 ones are. We take here how many times 2? 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. For the square root, we take 1 time from the pair of number. X is equal to 2 into 3 into 3. X is equal to 2 threes are 6, 6 threes are 18 decameter. So X is equal to lower end of the ladder from the base of wall. So we write here, how far is the lower end? तो आप लिखेंगे 80 decameter far is the lower end of the ladder from the base of द वॉल. यहाँ पर भी बच्चों एक बात कर लीजिएगा, लेट्स द लोअर एंड इन लेट्स द डिस्टेंस ऑफ लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल टू बी एक्स मीटर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 18. अ ट्री ब्रोक ड्यू टू स्टॉर्म एट अ पॉइंट but did not get separate. Its top touched the ground at a distance of 10 meter from its base. If the height of the from the ground at which the tree was broken is 12 upon 25 of the total height of the tree, find its height. तो बच्चों इसमें आप समझिए, अ ट्री ब्रोक ड्यू टू स्टॉर्म एट अ पॉइंट बट डिड नॉट गेट सेपरेट. एक पेड़ जो है, रफली मैं यहाँ बताऊंगी आपको, उसका हाइट था ये, और वो यहाँ से टूट करके नीचे गिरा ऐसे, यानी कि ये वाला पार्ट जो था वो ऐसे आ गया. सपोज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्री, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पर से सेपरेट अलग नहीं हुआ और इसने इसको यहाँ पर टच किया. जहाँ से ये पॉइंट था, दिस टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम इट बेस. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर था. इफ़ द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड एट विच द ट्री वॉज ब्रोकन इज 12 अपॉन 25 ऑफ द टोटल ट्री. जो टोटल लेंथ थी उसका 12 अपॉन 25 पार्ट यहाँ रह गया और रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर आ गया. तो आपको बताने टोटल हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड इट्स हाइट. ये 12 अपॉन 25 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द ट्री हेयर एंड रिमेनिंग पार्ट इज हेयर एंड फाइंड इट्स टोटल हाइट. आपको पूरी हाइट फाइंड करनी है. तो हाउ वी कैन फाइंड इट? फर्स्ट सपोज इट इज़ अ ट्री वी टेक केयर, ठीक है, ये यहाँ से टूटा और यहाँ पर आ गया हमारा, और ये वाला हाइट. अब आप सपोज इसका जो टोटल हाइट थी वो बच्चों कितनी थी? एक्स. और ये वाला हाइट यहाँ पर कितना रह गया? 12 अपॉन 25 ऑफ एक्स, ठीक है. यहाँ से इसका कितना हाइट था? इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम इट बेस. बेस इज दिस एंड इट इज 10 मीटर. ओके, नाउ फाइंड टोटल हाइट. ये भी फाइंड करना है और ये भी मिला करके आपको फाइंड करना है. तो आप पहले तो यहाँ पर फाइंड करेंगे, लेट्स टोटल हाइट ऑफ ट्री टू बी
एक्स मीटर, क्योंकि मैं मीटर में दिया है तो आप मीटर में ही लेंगे इसको। अब आप ये लेंगे यहाँ पर कौन सी हाइट दी हुई है जो कि सेपरेट होकर के नीचे नहीं गिरा है, तो आप क्या क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ द पॉइंट विच द ट्री वॉज ब्रोकन इज इक्वल टू 12/25 ऑफ एक्स। इट मीन्स 12x/25 मीटर। नाउ आप रिमेनिंग पार्ट ये वाला भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सपोज ट्री इज इक्वल टू 1, तो आपको ये वाला पार्ट दिखाना है, तो ब्रोकन पार्ट इज इक्वल टू 1 - 12x/25। 1 - 12, या 1 की जगह आप एक्स ले लीजिए, क्योंकि हमने टोटल हाइट कितना माना है एक्स, तो एक्स में से आपको 12x/25 माइनस करेंगे तो ये वाली हाइट आपकी आ जाएगी x/1, क्योंकि हमने हाइट मान लिया है यहाँ पर एक्स, इसलिए 1 नहीं लेंगे एक्स लेंगे। 125, 25x, 25 वन 25, तो कितना आ गया 12x। 25x - 12x इज इक्वल टू 13x/25, तो इट इज 13x/25। क्लियर? नाउ इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज हाइट, इट इज बेस। तो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे ए बी सी। वी राइट हेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। नाउ राइट द वैल्यूज। 13x/25 होल स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर 10 होल स्क्वेयर, 12/25x होल स्क्वेयर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? 13 × 13, x क्या होता है एक्स स्क्वेयर, 25 × 25, सिमिलरली 10 × 10 प्लस 12 × 12, 25 × 25, 13 × 13 = 169 x² / 25 × 25 625, 10 × 10 = 100 प्लस 12 × 12 = 144, 25 × 25 इज इक्वल टू 625। नाउ 169x² / 144x² / 625 ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट साइड, 169x² / 625 - 144x² / 625, दे आर लाइक टर्म्स, इज इक्वल टू 100। नाउ 162 6, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम वी टेक ओनली न्यूमरेटर्स। नाउ सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, 9 - 4 = 5, 6 - 4 = 2, 1 - 1 = 0, तो 25x² / 625 इज इक्वल टू 100। नाउ 625 ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट साइड, तो क्या होगा बच्चों? 25x² इज इक्वल टू 625 × 100। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 625 × 100 डिवाइडेड बाई 25। 25 से जब इसको कट करेंगे कितना आएगा 25, तो एक्स स्क्वेयर कितना आ गया बच्चों? 25 × 100। तो वी हमें क्या फाइंड करना है? एक्स ओनली। तो एक्स फाइंड करने के लिए आप इसका क्या निकालेंगे? स्क्वेयर रूट 25 का भी और 100 का भी।
एक्स इज इक्वल टू 5 × 5, वी कैन राइट 25, 5 × 5, 110 × 10. नाउ इट इज इन अ पेयर फॉर्म, वी टेक वन टाइम 5 × 10, एक्स इज इक्वल टू 5 × 10 = 50, 50 meter. इट मीन्स टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 50 meter. क्लियर?